देश की राजधानी दिल्ली में भी छठका पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। दिल्ली में इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में कृत्रिम घाट बनाए गए, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और सूर्य देव को अर्घ दिया। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी भी पूरी तरह से भक्ति के रंग में रंगी दिखाई दी। सीएम आतिशी ने खुद भी छठका पर्व पूरे रीति रिवाज से मनाया। इस दौरान वो पारंपरिक लाल परिधान में दिखाई दी। हाथ में सूप पकड़े हुए उन्होंने सूर्य देव की उपासना भी की। मुख्यमंत्री आतिशी ने इस मौके पर छठ पर्व मनाने वाले पूर्वांचल के श्रद्धालुओं को अपनी शुभकामनाएं दी। सभी पूर्वांचली भाइयों बहनों को और दिल्ली के सभी निवासियों को छठ की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली में आज छठ का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिल्ली के हर कोने में, हर गली में, हर मोहल्ले में इसी तरह दिल्ली सरकार द्वारा छठ घाट बनाए गए हैं। आज मैंने भी अभी छठी मैया की पूजा करी है और छठी मैया से और भगवान भास्कर से सभी दिल्ली वासियों के सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। दिल्ली सरकार दिल्ली के सभी हिस्सों में ऐसे भव्य छठ घाट बनाती है कि कहीं भी कभी भी हमारे पूर्वांचली भाइयों बहनों को ऐसा ना लगे कि वो अपने गांव से, अपने शहर से, अपने घर से कहीं दूर हैं और दिल्ली उनका घर है और दिल्ली में वो धूमधाम से ये छठ का त्यौहार मना सकें। एक बार फिर मेरे सभी पूर्वांचली भाइयों बहनों को छठ की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग राज्यों में जहाँ पर पूर्वांचल और बिहार के लोग रहते हैं वहाँ पर छठ का पर्व मनाया गया। अलग अलग घाटों पर पवित्र नदियों के किनारे और तालों के किनारे भी लोग बड़ी संख्या में छठ पर्व मनाते हुए दिखाई दिए। इस मौके पर पूरा वातावरण भक्तिमय दिखाई दिया। लोग हाथों में सूप पकड़े हुए सूर्य देव को अर्घ देते समय अपने मन की कामना मांगते हुए दिखाई दिए। इस दौरान लोगों में उत्साह और उल्लास देखते ही बन रहा था।